कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की, जिनका जन्म तब हुआ था जब मेवाड़ अफगान सेनापति शम्सखान के अधीन था। जहां एक तरफ राणा उदयसिंह शम्सखान के विरुद्ध युद्ध की गोपनीय बैठक करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुंवर प्रताप को इस बात का पता चलता है कि उनका प्रमुख सेवक देवीदास शम्सखान का जासूस है और गुप्त रूप से गोपनीय बैठक की सूचना शम्सखान तक पहुंचा रहा है। कुंवर प्रताप अफगान सैनिकों से भिड़ जाता है और अपनी जान पर खतरा मोल लेता है। अब आगे ठीक तो है भौजीराज? आपके हाथ से तो खून बह रहा है। कुछ नहीं रावत जी, यूं ही मामूली सी चोट। भौजीराज भाई, हमें तुरंत महल के लिए चलना होगा। यह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं। रावत जी, इससे पहले हमें किसी को खोजना है। क्षमा करें भौजीराज, किंतु हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते। राणा जी का आदेश है हमारे लिए कि हम तुरंत आपको उनके सामने लेकर आए। और वैसे भी भौजीराज, राणा जी अपनी आज्ञा का दूसरी बार उल्लंघन सहन नहीं करते। ठीक है रावत जी, आप जैसा उचित समझे, परंतु जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं, क्या पता वो अपने आप यहीं कहीं दिख जाए। रावत जी, मजा नहीं आ। हमारे दो सिपाही देवीदास से मिलने गए थे, कहां रह गए पता लगाओ। मजा नहीं आ रहा है। क्यों हुजूर? बाजीराज, हम ये सवाल नौवीं बार आपसे पूछ रहे हैं। आप जंगल में उन दो अफगान सिपाहियों के साथ क्या कर रहे थे? हमने कहा ना रावत जी, इसका उत्तर हम यहां नहीं देंगे। उचित है आप ना दें उत्तर हमें, किंतु आप राजकुमार हैं मेवाड़ के, आप इस तरह से अपने जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। हमें लगता है कि हमने वहां स्थितियों को संभाल लिया था। परिस्थितियां बिगड़ भी सकती थी बाऊजीराज, खास करके ये देखते हुए कि आपके छावनी में घुसने को लेकर क्या क्या नहीं हो चुका है। दरअसल हमें भय है आपको लेकर, क्योंकि राणा जी का क्रोध अपनी सहनशीलता की सभी सीमाओं को लांघ चुका है। अब तो हमारी ईश्वर से केवल यही प्रार्थना है कि आप अपने किले से भागने को लेकर कोई अच्छी सी कहानी सुनाए राणा जी को। हमारा विश्वास कीजिए रावत जी, हमने जो किया उसके लिए हमारे पास उचित कारण है, और हम वो कारण आप सबके सामने ही बताएंगे दाजीराज को। देवीदास, ये यहाँ क्या कर रहा है? देवीदास दादा, और ये कहाँ जा रहा है? देवीदास, देवीदास, तुम यहां क्या कर रहे हो? और तुम्हें अंदाजा भी है महल में कितना बड़ा संकट आ गया था, और तुम यहां इस तरह घूम रहे हो? जी, मैं अपने लिए कुछ औषधियां लेने आया था। मैंने कहा था बाजीराव जी से। महाराणा उदय सिंह ने शम्स खान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। हाँ, देवीदास ज्यादा ठीक कह रहे हैं। और बाजीराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी किले से बाहर? इन सभी सवालों को भूल जाओ देवीदास, क्योंकि इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए राणा जी इनका महल में इंतजार कर रहे हैं, और तुम भी अपनी औषधियां लेकर अति शीघ्र महल पहुंचो।
राणा जी बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। जी मैं अति शीघ्र ही महल पहुंचता हूं। देवीदास दादा रुकिए, रावत जी हम देवीदास जी के साथ जाएंगे। पाजी राज, किंतु देवीदास दादा आप हमें अपने घोड़े पे बिठाकर महल तक ले चलिए ना। रावत जी तो बस सवाल पे सवाल पूछ के और दाजी राज के गुस्से का नाम ले लेकर हमें डराए जा रहे हैं। हमें नहीं जाना इनके साथ। किंतु पाजी राज हम तो आपके हित की ही बातें कर रहे हैं। अच्छा रावत जी, राजकुमार होने के नाते क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम अपनी इच्छा अनुसार महल तक ले जाने वाला चुन सके? हम तो इन्हीं के साथ जाएंगे। चलिए दादा। हाँ क्यों नहीं, आइए आइए बैठिए हमारे घोड़े पे और आप देखिएगा हम आपको इनसे पहले महल पहुंचा देंगे। पाऊजी राज ने किले की दीवार यूं नहीं लांगी होगी, जरूर कुछ कारण हुआ होगा हुकुम। हाँ हुकुम, वरना आप किसी से भी पूछ लीजिए, पाऊजी राज को हर कोई आज्ञाकारी ही बताएंगे। बस राजभक्ति राज परिवार के अनुशासन इन बच्चों की प्रशंसा में नहीं मातृभूमि की चिंता में दिखानी चाहिए। हमारा अंधा प्रेम ही हमारे बच्चों को अनुशासनहीन और विद्रोही बनाता है, समझे आप? वैसे इस बार तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी आज्ञा ना मानने का क्या कारण बताते हैं कुंवर। दादा तबीयत ज्यादा खराब है तो थोड़ी देर विश्राम कर ले। नहीं बाबू राज, हमें महज जल्दी पहुंचना होगा। किंतु दादा जल तो ले लीजिए। ये लीजिएगा। हाँ दादा। मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, पर मेरी बात माने तो वहां पहुंचने पर जैसे ही आप पिताजी को देखें अपने घुटनों के बल बैठकर उनसे क्षमा मांग लीजिएगा। मैं अन्नदाता को वर्षों से जानता हूं, वो बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं पर भीतर से उनका मन बहुत ही कोमल है। अगर क्रोध में भी कोई उनके सामने अपना अपराध स्वीकार करता है ना और सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगता है तो वे क्षमा करना भी जानते हैं। आपकी सारी बातें सही है दादा, परंतु हमारी मासा कहती है कि यदि दाजीराज के सामने देश या देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई आपात आता है तो फिर वे कठोरता से नियमों का पालन करते हैं, फिर वे न अपना देखते हैं और ना ही पराया दादा, फिर वे केवल केवल न्याय पर ही ध्यान देते हैं। आप घबराइए ना कुंवर साहब, आपके खेलकूद में ना तो देश आता है और ना ही देश की सुरक्षा, इसलिए आपको हुक्म के क्रोध से बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। एक लिंगी जी सब ठीक करेंगे, अब डरिए मत, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। हुकुम, वो आ गए भावजी राज।
करिए मैं बाजी राज, लेकिन राणा जी का गुस्सा जब तक शांत हो जाए पलट कर जवाब मत दीजिए। देवीदास जी, आप हमारे और कुंवर प्रताप के बीच से हट जाइए। कुंवर प्रताप, आज जो आपने अपराध किया है उसके उचित न्याय के लिए हमें यह भूलना पड़ेगा कि आप हमारे पुत्र हैं, तभी हम आपको उचित दंड दे पाएंगे। आपका दिया हर दंड हमारे लिए आपका आशीर्वाद है दाजीराज। इसीलिए माँ की सीख से जो हमने किया उसके परिणाम के लिए हम तैयार है दाजीराज। बहुत अच्छे, तो आपने जो अपराध किया है उसके लिए आपका दंड है कि दाजीराज, आप हमें दंड सुनाएं, उससे पहले हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें वो बात बताने की आज्ञा दें। बोलिए क्या बात है। हम आपको वो बात बताएं, इससे पहले दाजीराज आप यह निश्चित कर ले कि यहाँ जो कोई उपस्थित है आप उन पर सचमुच भरोसा कर सके। देवीदास जी रुक जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारा साया है, हम आप पर कैसे संदेह कर सकते हैं। और वैसे हम तो ये कहेंगे कि यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन पर हमें पूरा विश्वास है, इसलिए कुंवर प्रताप को अगर कुछ कहना है तो खुलकर कहें, सबके सामने कहें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक अपराध तो आज आप कर चुके हैं, इस किले से भागने का ध्यान रहे दूसरी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं। उस महत्वपूर्ण बात को बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि यहां हमारे बीच एक देशद्रोही उपस्थित है। क्या? देशद्रोही? कुंवर प्रताप आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ दाजीराज। कहाँ है वो? यही है वो, हमारे बीच रहते हुए वो शम्स खान के लिए खबरी का काम कर रहा है दाजीराज। वो यहाँ की हर महत्वपूर्ण बातें शत्रुओं तक पहुंचाता है। कुंवर प्रताप, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बहुत चतुर हैं, लेकिन अगर आप इस चतुराई का प्रयोग दंड से बचने के लिए कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं। हमारा विश्वास करें ताजीराज, हम उस देशद्रोही को यहीं आपके सामने उजागर कर सकते हैं। वो यही है सब। बस कुंवर प्रताप बस, बहुत बोल चुके आप। यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने मेवाड़ के राजघराने की जब से आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से सेवा की है, रक्षा की है, और आप इन्हीं में से किसी को देशद्रोही बताना चाहते हो। पर सच्चाई तो यही है दाजीराज। सच्चाई सबूत मांगती है। और बिना ठोस सबूत के ना तो हम किसी पर उंगली उठाएंगे और ना ही किसी और को उठाने देंगे। अगर सबूत ना होता तो हम आपके सामने इतनी बड़ी बात बोल ही नहीं पाते दाजीराज। क्या सबूत है आपके पास?
कि यहां पर कोई देशद्रोही है। सबूत है दाजीराज, और सबसे पहला सबूत है कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास पात्र सामंत को ही पता है, वो जानकारियां हम भी आपको दे सकते हैं। आज से ठीक 4 दिन बाद आप शम्स खान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने वाले हैं। प्रताप, राजा की बात सुनना। क्या राजा और सामंतों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखना या सुनना अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य अपराध है, जानते हैं आप? हुक्म, मामला बहुत संगीन हो चुका है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप पहले एक बार शांति से बावजी राज की बात को सुन ले। अब सुनने के लिए बचा क्या है? नाम बताइए उस देशद्रोही का। वो आपका सबसे विश्वास पात्र सेवक है दाजीराज, जो कई वर्षों से आपका साया बनके आपकी सेवा कर रहा है। इस सच्चाई को जानने से पहले तक वो हमारे लिए सब कुछ था, मित्र, सलाहकार, हितैषी, सब कुछ, जिसे सदा हमने अपना रक्षक माना। नहीं अन्नदाता, नहीं। क्या ये बात आप पूरे विश्वास और सबूत के साथ कह रहे हैं कुंवर प्रताप? हाँ दाजीराज, हमने खुद अपनी आंखों से इन्हें जंगलों में दो अफगान सैनिकों से सोने की अशर्फियां लेते हुए देखा, और आपकी बैठक की सारी गुप्त बातें उन्हें बताते हुए सुना। इन्होंने शम्स खान के सैनिकों को बताया कि कब राजपुरोहित जी ने युद्ध के लिए शुभ मुहूर्त निकाला है और कब आपने युद्ध के लिए घोषणा की है। सारी बात बता दी इन्होंने सैनिकों को, सब कुछ। इसलिए किले की दीवार फांदकर हमने जंगल तक इनका पीछा किया, क्योंकि हमने इनके पास शम्स खान का परिचय पत्र देख लिया था। हमें उसी समय इन पर संदेह हो चुका था। मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें दादा, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। मुझे माफ कर दे अन्नदाता, मुझे माफ कर दे। रावत जी, मेवाड़ के देशद्रोहियों को जो दंड दिया जाता है, हम आपको वही दंड देने की अनुमति देते हैं। जाइए। हुक्म। देखिए उस तरफ कुंवर प्रताप, सच का सामना कीजिए। हमने कहा गर्दन घुमाइए कुंवर प्रताप और सच्चाई का सामना कीजिए। हमें मृत्यु की आंखों में आंख डाल के उसे हराने का अभ्यास होना चाहिए। राजपूत राजकुमार बहते लहू को देखकर अपनी नजरें नहीं फेरते। देखिए उधर कुंवर प्रताप, हम ये आदेश दे रहे हैं आपको, देखिए। Thank you.
देखिए हमारी तरफ। कुंवर प्रताप, आपने जो कुछ भी किया ठीक किया। हम तो केवल आपसे क्षमा मांगना चाहते थे दाजीराज, इसीलिए हम आपके पीछे पीछे भागे आ रहे थे। आपके पीछे पीछे आते न जाने हमारे सामने ये सब कैसे आ गया। और दाजीराज, जाइए अपनी माँ के पास जाइए। जो आ गया दाजीराज। हुकुम, बाबूजी राज ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि वो इस मेवाड़ राज घराने के अद्वितीय रत्न है। हमने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें जंगल में अफगान सैनिकों को परास्त करते हुए देखा है। जब हम वहां पहुंचे तो उससे पहले ही बाबूजी राज उन अफगान सैनिकों को परास्त कर चुके थे। हमने तो बस बचा हुआ काम निपटा है। बाबूजी, क्या आपने अफगान सैनिकों के पार्थिव शरीर को सम्मान दिया? ये हुक्म, हमने उन अफगान सैनिकों के संस्कारों के हिसाब से उनके पार्थिव शरीर का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। हुक्म, प्रताप कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वो तो आने वाले भविष्य के एक महान योद्धा दिख रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा रावत जी, ऐसे उत्तराधिकारी का सपना तो हर राजा देखता है, लेकिन ऐसे कुंवर सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिन पर नियति का आशीर्वाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।